सर जरा अपने गिरेबान में आप सारे नेता लोग झांक लिया करें। असली और नकली, मैं जरा इनकी पिडिग्री एनालिसिस करता हूं। जो लोग ये देश को जाति और धर्म, साहब हम जनता लोग हैं, हमें आप अगड़े पिछड़े इन सब में मत बांटिए। अगर मैं पिडिग्री एनालिसिस करूं 5000 साल से पहले मैं करूं, ये कृष्णवंशी जो यादव हैं समाजवादी पार्टी के, कृष्ण इन्हीं के वंशज हैं जिनको पूरी दुनिया मानती है, ये आज अपने आप को भिखारी और पिछड़ा मांग रहे हैं। तो कृष्ण को भी हम बोले कि वो पिछड़ा थे, जो इस देश के लिए भगवान है। भारत की संस्कृति सभ्यता सिद्धांत उन्हीं के उस पे बना हुआ है। पहले कवि जो हुए थे वो भी दलित थे, उनकी पूजा सारी कास्ट के लोग करते हैं। अमीक, तो आप अगड़े हैं कि आप पिछड़े हैं सर? कौन जन्मजात पिछड़ा है? पत्रकार का अग्नेयास्त्र चल गया। जन्मजात तो आप लोग अगड़े हैं सर? पत्रकार का अग्नेयास्त्र चल गया। ये एक पत्रकार का अग्नेयास्त्र पिछड़ा रुक जाइए। तो हम क्या करें? एक मिनट रुक जाइए जी, मैं बताना चाह रहा हूं। एक मिनट रुक जाइए। अमीक बोल सकते हैं आप। मैं मिश्रा जी से पूछना चाहता हूं कि आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट हो या मनुस्मृति के कास्ट सिस्टम के एक्सपर्ट हो? सर मैं बहुत चीजों का एक्सपर्ट हूं। आप मनुस्मृति पे बात करेंगे तो मैं अभी भी 1.5 घंटे मनुस्मृति पे बात करूंगा। आपको जिस टॉपिक पे बात, सर लॉजिकल आंसर दीजिए। बात तो बात सर, देखे, एक मिनट मुझे एक चीज बता दीजिए। देखिए मिश्रा आप जी, ये बोल दीजिए आपकी पहचान मैं कर ले राशिद, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप बोल दीजिए कि आप जन्मजात पिछड़े हैं इसलिए क्योंकि आपके पूर्वज कृष्ण जन्मजात पिछड़े थे, आप यही बोल दीजिए। बोल दीजिए कृष्ण जन्मजात पिछड़े थे, बोल दीजिए ना सर। हिम्मत नहीं है उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री को? राशिद जी एक मिनट विनीत जी आपके पास आ रहा हूँ। एके ने जो कहा है उस पर अमीक को सुन लेते हैं पहले। एके ने जो कहा, एक मिनट, जर्नलिस्ट एके मिश्रा भी हमारे साथ में है। दो पॉलिटिकल पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, लेकिन देश की तीन पॉलिटिकल पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एके ने सुन लिया है। और जैसे जैसे मैं देख रहा हूं, पिछले 10 मिनट से देख रहा हूं मैं एके को, 10 मिनट से तीन पॉलिटिकल पार्टी और एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक को सुनना है, वो उनकी त्योरियां लगातार चढ़ती जा रही हैं। मेरा बहुत छोटा सवाल है एके, बता दीजिए मुझे, क्योंकि अब पिछड़ा और अगड़ा की राजनीति हुई है, ये है चैप्टर टू, लोकसभा चुनाव 2019 का चैप्टर टू। पहला चैप्टर था अली बजरंग बली का, चैप्टर टू है असली पिछड़ा और नकली पिछड़ा का। क्या पिछड़े गेम चेंजर हैं? अगर गेम चेंजर हैं तो उत्तर प्रदेश में किस तरह का गेम चेंज कर सकते हैं? राशिद देखिए मैं आपको बताऊं, असली पिछड़ा नकली पिछड़ा कौन है इसकी व्याख्या मैं बहुत अच्छे से कर दूंगा बाद में, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो अभी मित्रता हुई है मैं एक तरीके से स्वागत करता हूं। मैं चाहता हूं राजनीति में ही नहीं समाज में भी कहीं वैमनस्यता नहीं होनी चाहिए और हेल्दी रिलेशन होना चाहिए। खैर आप लोगों ने भुला दिया, महानता है। ये पूरब और पश्चिम का मिलन है, मैं आपको बता दूं भारतीय राजनीति में ये एक ऐसा इवेंट है जो कि बड़ी मुश्किल से बुलाया जा सकता है। और यहाँ पे निष्पक्ष तरीके से मैं बहन जी को धन्यवाद दूंगा, एक महिला के साथ अगर इतना बड़ा दुर्व्यवहार हुआ हो और वो ये चीज़ करे तो ये वाकई में बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन ये है क्या चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये न अगड़े की न पिछड़े की राजनीति है, ये केवल महीने दो महीने के बाद जीत कैसे अपने पड़ले में आए, हम कैसे जीते, ये केवल और केवल स्वार्थ की राजनीति है। अगर कोई बोलता है कि हम इतने उदार चरित्र के हैं, इतने उदार हृदय के हैं, तो इन घटनाओं के बाद ही आप एक दूसरे को माफ कर देते? 25 साल एक दूसरे को उपाधियां देने में, कुतर्क करने में, आरोप प्रत्यारोप लगाने में आपने लगा दिए, आज ही आप लोगों का हृदय धड़कने लगा, आज ही आपका हृदय फटके एकदम विशाल हो गया। ठीक है, एक दशकों पुरानी दुश्मनी दोस्ती में तब्दील हो गई, मंच पर माया मुलायम एक साथ दिखाई दिए, इस दोस्ती का कितना फायदा उन्हें मिलेगा और साथ ही ये जो नकली पिछड़ा असली पिछड़ा कार्ड खेला है इसका कितना फायदा मिलेगा? मैं आपको बताता हूँ, देखिए जिस पर्पज के लिए इन्होंने किया हुआ है कि भाई अब हमको बचना है कैसे भी करके राजनीति के लिए, मैं बोलता हूँ चुनावी माहौल में अगर ये चीज नहीं हुई होती ना तो मैं बोलता हूँ कि ये दिल से दिल मिलने वाली बात है कि हाँ सारे लोग भूल गए सब कुछ जो भी था, और ये एक इतिहास बनता भारतीय राजनीति में कि कैसे कटुता को भुलाया जा सकता है। जब देखने लगे हारने लगे, इलेक्शन कमीशन का जो कैलेंडर आता है ना उसके हिसाब से बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं, तो इनको फायदा तो मिलेगा 101%। मैं आपको बताऊं जो ये इन दोनों ने अभी रैली की है, मिले हैं,
वो फायदा मिलेगा, लेकिन इसका एक कोलेटरल डैमेज भी ऑलरेडी तैयार है, हो रहा है। और फायदा नुकसान प्लस माइनस दोनों देखेंगे तो रिलेटिव वे में कितना मिलेगा, वो एक डिफरेंट स्ट्रेटजिक एनालिसिस का विषय है। दूसरी चीज, अभी अमित भाई साहब बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री को इकबाल सिखाना चाहिए, गलत उन्होंने भी किया, गलत आपने भी। इकबाल तो हमारे माननीय मुलायम सिंह जी ने फोन करके अमिताभ सिंह आईपीएस को सिखाया था, वो भी आईएएस ऑफिसर थे साहब, उन्होंने सीधे सीधे बोला था कि जैसे हाल वो किया था। सर जरा अपने गिरेबान में आप सारे नेता लोग झांक लिया करें, केवल और केवल अपना फायदा देखते हैं और जनता के लिए। दूसरी बात मैं रचना ये बोलूंगा, असली और नकली मैं जरा इनकी पिडिग्री एनालिसिस करता हूं, जो लोग ये देश को जाति और धर्म, साहब हम जनता लोग हैं, हमें आप अगड़े पिछड़े इन सब में मत बांटिए। अगर मैं पिडिग्री एनालिसिस करूं 5000 साल से पहले मैं करूं, ये कृष्णवंशी जो यादव हैं समाजवादी पार्टी के, कृष्ण इन्हीं के वंशज हैं जिनको पूरी दुनिया मानती है, ये आज अपने आप को भिखारी और पिछड़ा मान रहे हैं। तो कृष्ण को भी हम बोले कि वो पिछड़ा थे, जो इस देश के लिए भगवान है। भारत की संस्कृति सभ्यता सिद्धांत उन्हीं के उस पे बना हुआ है। पहले कवि जो हुए थे वो भी दलित थे, उनकी पूजा सारी कास्ट के लोग करते हैं। अमीक तो आप अगड़े हैं कि आप पिछड़े हैं सर? कौन जनजात पिछड़ा है? पत्रकार का अग्नेयास्त्र चल गया, जनजात तो आप लोग अगड़े हैं सर? पत्रकार का अग्नेयास्त्र चल गया ये, एक पत्रकार का अग्नेयास्त्र गरीब फंसे पिछड़ा मानने तो हम क्या करें? एक मिनट रुक जाइए अमीक, बोल सकते हैं आप। मैं मिश्रा जी से पूछना चाहता हूं कि आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट हो या मनुस्मृति के कास्ट सिस्टम के एक्सपर्ट हो? सर मैं बहुत चीजों का एक्सपर्ट हूं, आप मनुस्मृति पे बात करेंगे तो मैं अभी भी 1.5 घंटे मनुस्मृति पे बात करूंगा। आपको जिस टॉपिक पे बात, सर लॉजिकल आंसर दीजिए। बात तो बात सर, एक मिनट मुझे एक चीज बता दीजिए। देखिए मिश्रा जी, ये बोल दीजिए आपकी पहचान मैं कर ले, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, बोल दीजिए कि आप जन्मजात पिछड़े हैं इसलिए क्योंकि आपके पूर्वज कृष्ण जन्मजात पिछड़े थे, आप यही बोल दीजिए, बोल दीजिए कृष्ण जन्मजात पिछड़े थे, बोल दीजिए ना सर। उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री को राशिद जी एक मिनट विनीत जी आपके पास आ रहा हूँ। एके ने जो कहा है उस पर अमीक को सुन लेते हैं पहले। विनीत जी उसके बाद मौका दूंगा। विनीत शुक्ला जी आपको दूंगा मौका, हम निपट लेंगे। अरे विनीत जी दूंगा ना आपको मौका, रुकिए ना आप। विनीत जी एक मिनट रुकिए, अमीक आप बोलने पहले, अमीक आप रिबट कर लें जल्दी अगर एके मिश्रा को रिबट करना चाहते हैं। छोटी सी बात जोड़ दूं, मैं छोटी सी बात जोड़ दूं। देखिए हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री फर्जी ओबीसी हैं, फर्जी ओबीसी कहने का आधार है। जी जी नहीं बिल्कुल बिल्कुल, अब इनसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अभी मिश्रा जी की भी पहचान कर रहे थे, जैसे बीजेपी ने 18 लाख दे दिया वैसे ये कांग्रेस की 44 पे आ गई है, 18 लाख दे सकते हैं, 72,000 भी नहीं दे पाएंगे।